खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको बता दें कि बैठक खत्म हो गई है, लेकिन शरद पवार ने बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि इस समय उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम बातों पर हमारी चर्चा चल रही है। और एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले सुनवाया कि शरद पवार ने क्या कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर। सुनिए क्या कहा शरद पवार ने। सरकार चलनी चाहिए, इस बात पर सहमति है, ये इशू नहीं है। बाकी जो डिजिटल प्रोग्राम की बात है उसका डिस्कशन चालू है, वो पूरा होने के बाद मुझे लगता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल बताएंगे। मगर इस गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे के पास है, इसमें यूनानिमिटी है, समझा। लेकिन अभी वापस आज सब फैसला हो चुका सर कि वापस होगा, डिसीजन हुआ है सीएम चीफ का, अब बाकी डिटेल प्रोग्राम की तैयारी चालू है। लेकिन ढाई साल जो मुख्यमंत्री का था एनसीपी का, क्या ढाई साल एनसीपी लेगी सर? अभी बताइए, हमने जो बताया वो सुनिए। कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होके डिटेल प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, मतलब फाइनल फैसला कल हो जाएगा। क्या होता है फाइनल फैसला कल हो जाएगा? लीडरशिप का इशू का ये पेंडिंग नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। सर मान लीजिए उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र भाई, मैंने हिंदी समझता है आपको, मैंने साफ कहा है कि लीडरशिप का इशू हमारे सामने नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के बारे में हमारे यहाँ सहमति हुई है। तो शरद पवार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे के हाथ में होगी, बाकी डिटेल्ड इशू पर चर्चा चल रही है, कल तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे तो उन्होंने कहा क्या हिंदी समझ में नहीं आती है, आदेश रावल आपका रुख करना चाहूंगी। शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे के हाथ में होगी, यानी अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे। देखिए शोभना, दो बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। एक कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और तीनों पार्टियों ने इनको चुन लिया है, और दूसरी बड़ी बात सामने आई है कि जो सरकार को दावा पेश करने वाली बात थी वो ना आज होगी ना कल सुबह होगी, उसके लिए और दो दिन का समय लगेगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियों के बीच लोगों का ये कहना है कि ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ अनसुलझे सवालों के साथ हम दावा पेश करें, ताकि हर चीज में क्लियरिटी हो तभी समर्थन पत्र देकर सरकार का दावा पेश करेंगे। लेकिन सीएम के नाम पर, उद्धव ठाकरे के नाम पर फिलहाल सहमति हो गई है। कांग्रेस के नेता फिलहाल अभी अंदर हैं, कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के नेता भी अंदर, पवार और उद्धव ठाकरे यहां से निकल चुके हैं, तो कांग्रेस का इस पर क्या रुख है वो अभी साफ होना बाकी है। लेकिन दो दिन और लगेंगे सरकार का दावा पेश करने में इस अलायंस को, और दूसरा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। ठीक है आदेश, आप बने रहिए। और एबीपी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को यह खबर दी कि शरद पवार ने अब कह दिया है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे होंगे। आदेश रावल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय आपका रुख करना चाहूंगी, ये ब्रेकिंग न्यूज आप ही ने हमें सुनवाई है सबसे पहले एबीपी के दर्शकों को कि उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। मृत्युंजय आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी शुभ, अपना सवाल दोहराए। मैं कह रही हूँ सबसे पहले आप ही ने हमारे दर्शकों को सुनवाया शरद पवार को, जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे के हाथ में होगी, यानी अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। एबीपी न्यूज के दर्शकों को हमने सबसे पहले बताया, और रविवार या सोमवार को अब ये दावा पेश कर सकते हैं तीनों दल मिलकर राज्यपाल के सामने, क्योंकि डिटेल डिस्कशन इस समय चल रही है शरद पवार ने बताया। मृत्युंजय और क्या कुछ अपडेट आप हमें दे पाएंगे इस समय का? शोभना बिल्कुल, शरद पवार ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब आगे की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के हाथ में, यानी उद्धव ठाकरे के हाथ में जिम्मेदारी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो सीएम पद पर होंगे। कहीं ना कहीं गेंद उनके हाथ में दे दी है कि आप संभालिए, आप तय कीजिए।
और गणेश ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। गणेश ठाकुर इस समय राजभवन पर मौजूद है। गणेश ठाकुर आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आप उस हॉटस्पॉट पर खड़े हुए हैं जहां से सब कुछ तय होना है। राज्यपाल से मिलने का समय क्या लग रहा है, कब लिया जाएगा, सोमवार या मंगलवार? देखिए, रविवार या सोमवार की बात अब तीनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है और कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों पार्टियों की तरफ से की जा सकती है, जिसमें सारी चीजें या सारे मुद्दों पर सवाल जवाब किए जाएंगे और अपने जवाब तीनों पार्टियों के नेता जनता के सामने रखेंगे। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सहमति बनी, ऐसी जानकारी खुद शरद पवार उन्होंने दी है। अब यहाँ पर मातोश्री पहुँचने के बाद उद्धव ठाकरे अपने कुछ नज़दीक के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा अध्यक्ष पद को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, उस पर अभी भी चर्चा दोनों पार्टियों यानी कांग्रेस एनसीपी के बीच होनी है। तो ये सारी चीजें आज रात या कल सुबह तक तय होंगी। कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और रविवार सोमवार का मुहूर्त देखकर तीनों पार्टियां राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। गणेश ठाकुर, इस समय की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, और वो बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। शरद पवार ने मीडिया से जब बात करी बाहर निकलकर, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे ही लीड करेंगे।